फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको फैरेड थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, एल्जेब्रिक थ्योरम बताई थी। तो आज की वीडियो में उसी बेस पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और लास्ट ईयर में आ चुके हैं, जैसे SSC बैंक में PO, क्लर्क, SSC में भी CGL, CHSL, रेलवे, क्लैट, इन सब में आपके आते हैं और रेलवे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी लास्ट वाली वीडियो को, जो मैंने रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट पर डाली है, उसको आप जरूर देखें। उसके बिना आपको ये वाली वीडियो समझ नहीं आएगी। इसमें मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको करवाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाऊंगी रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड। लेकिन उसमें आपके वर्बल टाइप प्रॉब्लम्स होंगी, वर्बल प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, जो कि किस पर बेस होंगी, जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इसके ऊपर उसके सारे क्वेश्चन होंगे। और इसमें आपकी नेगेटिव रिमाइंडर, फैरेड, एल्जेब्रिक और बाइनोमियल थ्योरम पर बेस होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट स्टूडेंट। ठीक है, सो आर यू रेडी? ओके, क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28, ये जो पूरा सम है ये किससे डिविजिबल है? तो ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप 3 की पावर 25 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया ये, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 3 की पावर 25 आ गया, तो 3 की पावर 1 हो जाएगी 26 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। क्योंकि भाई ये तो आपको पता है ना, तक आपको अच्छे से पता हो गया होगा, आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो काफी छोटी क्लास से। जब भी पावर मल्टीप्लाई में होती है तो पावर प्लस हो जाती है, बेस मल्टीप्लाई में होता है। तो 3 की पावर 26 में से 25 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, 27 में से 25 कॉमन ले लिया तो 25 प्लस 2 27, तो 2 बचा और यहाँ पर 3 बचे। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आगे भी ऐसे क्वेश्चन काफी आएंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब ये आ गया आपका 1 प्लस 3 4 प्लस 3 3 9 एंड 27। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 की पावर 25 इंटू ये प्लस होने पर 40। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखो, ये इनमें से किससे डिविजिबल है हमें ये देखना। तो अभी हमें इसका कोई भी ऐसा फैक्टर अगर मैच कर जाए तो उसका मतलब वो डिविजिबल होगा, अगर कोई भी फैक्टर मैच करता है, लेकिन अभी नहीं करता। लेकिन हमें फॉर्म इसकी बनानी पड़ती है। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पीछे 0 आ रहा है, इसको अलग करते हैं। 3 की पावर 25 इंटू इसको हम 10 × 4 लिख सकते हैं, 40। लेकिन आप देखोगे पीछे 0 वाला है, 30 वाला आ रहा है, क्या इसकी फॉर्म बन सकती है? हाँ, 3 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 1, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अरे बोलो बच्चों, ऐसे लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल लिख सकती हूँ, तब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। हमें फैक्टर उसके तोड़ने पड़ते हैं, जब भी हमारे पास कोई बड़ी संख्या आ जाए और ऑप्शन में हमारे छोटे छोटे फैक्टर दे रखे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि छोटे छोटे फैक्टर इसके कौन से पड़े हैं जो कि ऑप्शन से मैच कर जाए। अब यहाँ पर आप देखो, ये मिल गया आपका 30 बन गया, और 30 मतलब इसके मल्टीपल में आ रहा है तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा 30 से। तो इस तरह से बनाते हैं, आपको डायरेक्ट कैसे पहचानना है, 40। तो आपने इतना अंदाजा तो लगा लिया, लेकिन आप अभी भी टिक कर सकते हो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, पीछे ये वाला है। लेकिन कंफर्म करने के लिए मैंने आपको ये पूरा करके दिखाया है, क्योंकि देखिए यहां से आपको पता चल गया, जब ये आया था ना 40, 11 का मल्टीपल इसमें नहीं आ रहा, 16 नहीं आ रहा, 25 भी नहीं आ रहा, लेकिन 30 आ रहा है, मतलब 10 × 3। तो अब इसे 10 की फॉर्म में बना लेंगे। अब ये 10 की फॉर्म में बन गया तो ये 30 कैसे बन सकता है, जब 10 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 1 3 यहाँ से लेके हमने बना लिया। तो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन और इसके आगे भी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके SSC में, बैंक में, इसलिए मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया है। जिसको समझ नहीं आया अभी मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा ये भी बिल्कुल सेम है, ये पहले आप लोग सॉल्व कीजिए मेरी वीडियो को पॉज करके, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि बिल्कुल सेम है, इसके बाद आप देखिए आपको वो क्वेश्चन समझ आया नहीं। इसमें से आप 4 की पावर 61 को कॉमन लीजिए तो यहाँ पर बचेगा 4 की पावर 2 एंड 4 की पावर 3।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 तो 5 हो गया, 4 4 जा 16 एंड ये हो गया आपका 64। अच्छा आप इसको सॉल्व करने पर आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 85। अब आप देखिए ये तो सीधा है, उसमें तो हमें फिर भी 34 बनानी पड़ी थी, ये तो आपको सिंपल पता चल गया होगा। इन ऑप्शन में से 85 आपको 17 की टेबल अगर लर्न होगी तो 17 5 जा 85 होता है, तो ये आपका 17 इंटू 5 की फॉर्म हो गई, तो सीधे सीधे इसमें 17 इसका फैक्टर आ गया, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिल्कुल पहले जैसा सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इसमें एक ये नंबर दे रखा है ये वाला और इसको 23 से डिवाइड किया है, पूछ रहा है इसका रिमाइंडर क्या होगा। देखते हैं वही नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट वही करना है। तो देखिए, तो मेरी लास्ट वाली वीडियो जिसका दे रखी होगी ना उसको इजीली समझ आ जाएगा, बल्कि वो लोग सॉल्व करने भी लगा होगा खुद। ये मैंने ये लिख लिया। अब देखिए 23 से डिवाइड करना है तो पूरा पूरा नहीं देखिए, इसके शॉर्ट 23 बन जाए 23, ऑब्वियसली तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 प्लस का 2, या फिर आप ऐसे भी दे सकते हैं 23 इंटू 10 230 होता है, तो 232 में से 230 पूरा चला जाएगा प्लस का 2 बच गया रिमाइंडर। अब यहाँ पर देखिए 23 2 जा कितना होता है 46, ठीक है 46 होता है और केवल ये बचा, तो ये रिमाइंडर आपका बच गया प्लस का 1, ठीक है। अच्छा 23 से 16 ये तो पूरा चला जाएगा और ये 23 4 जा 92 होता है, 23 4 जा 92, तो यानी ये आ जाएगा आपका माइनस का 4। माइनस का 4 क्यों आया, क्योंकि हमने एक बड़ा वाला देख रहे हैं, 3 से नहीं बड़ा वाला देख रहे हैं, तो आपको कैलकुलेशन आप 23 का पूरा 6988 में दोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट, तो शॉर्ट के पूरा 69 तो जा ही रहा है, केवल 88 बचेगा ना उसको, ऐसे ये 46 हो जा ही रहा है 47, तो आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन ना इजी ही देगा, बहुत टफ नहीं देगा जो ऐसे जा रही होगी। कैलकुलेशन टफ नहीं होती, बस ट्रिक और लॉजिक लगाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, लॉजिक लगाना, और वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए देखते हैं इसमें, तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया आपका माइनस का 8, ये माइनस का 8 आ गया, लेकिन जैसा कि लास्ट टाइम रिमाइंडर कभी माइनस का 8 नहीं लेते, तो माइनस का 8 में प्लस 23 हम कर देंगे, तो 23 में से 8 माइनस कर दीजिए 14 आपका आ जाएगा, वो सॉरी 15 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 15। अच्छा अब ये ऑप्शन से मैच नहीं, तो इसका मतलब एक और आपको ऑप्शन यहाँ पर दे सकता है, वो नन ऑफ दिस है ना, देता है यानी ऑप्शन इज, ठीक है समझ आ गया ना ये क्वेश्चन। अपने आप करके देखिए, देखिए जब तक आप यहाँ से डायरेक्ट कर लोगे मेरे पढ़ाने से, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तब तक कोई भी एडवांटेज नहीं है, आपको खुद करना होगा, आपको खुद सॉल्व करना होगा तब आपको पता चलेगा आपको आ रहा है नहीं, डायरेक्ट देख के नहीं, मैथ्स को तो खुद सॉल्व करूंगा। अच्छा अब ये भी डिवाइड है 100 से, तो इसका हमें रिमाइंडर निकाल, देख सकते हैं यहाँ तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ये छोटा हो जाए अगर हमारा, तो देखिए यहाँ पर ये 4 से कट रहा है 19 टाइम्स और ये भी 4 से कट रहा है आपका, तो अब ये डिजिट आपकी क्या बन जाएगी, 1397 8 मल्टीप्लाई 398 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन में 20। अब ये आपकी बन गई, ठीक है ये हमने, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी आपका फाइनल रिमाइंडर आएगा, जो भी आपका फाइनल रिमाइंडर आएगा उसमें मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्चुअली 100 का डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, लेकिन हमने इसका 1/4 पार्ट कम कर दिया, ठीक है 25 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी उसका 4 टाइम्स कम आएगा ना, तो फाइनल आंसर में हमें इसका मल्टीप्लाई बाय 4 जरूर करना पड़ेगा, ये बात आप मेरी ध्यान रखिएगा। और मैंने इंट्रोडक्शन जब रिमाइंडर थ्योरम का दिया था उसमें भी आपको बताया है, आप मेरी लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए अब ये कितना ईजी हो गया, हम 25 का डिविजिबिलिटी में केवल लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, उससे डिविजिबल अब है नहीं, तो ये 78 से कितना यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3, 98 25 4 जा 100 यानी माइनस का 2, एक हमने ज्यादा लिया, ये प्लस का 3 और ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 6, 25 बन जाए 25
और ये आ जाएगा आपका 2। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करिए, 3 2 6, 6 3 18, ठीक है। यहाँ पर 3 2 6, 2 6 12, 12 3 36, और 36 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 216, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए। अब ये हमारा रिमाइंडर, लेकिन देखो मैंने अपॉन में 25 क्यों लिखा है, 216 आप इसको हाइड करिए, 216 आपका रिमाइंडर आ गया, लेकिन क्या वो 25 से बड़ा आ सकता है? कोई भी ऐसी चीज है, रिमाइंडर कभी भी जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उससे छोटा ही आएगा, तो हम दोबारा डिवाइड कर देंगे। यही हम करते थे, जब हम इसको दोबारा डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16 times 16 इसका रिमाइंडर बचेगा। आप करके देख लीजिए, 200, तो 16 आपका रिमाइंडर बच गया। तो क्या ये आपका आंसर आ गया, इधर टिक कर देते? नहीं, लेकिन आपने 1/4 से ये काटा था, 4 से, तो मैंने क्या कहा था, उतना ही आपको बाद में ध्यान रखना है, उतना ही आपको जितना ये कम हुआ है, जितने टाइम्स ये नीचे की वैल्यू कम हुई है, ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन में जितनी टाइम हम नीचे की वैल्यू कम करते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 16 आ गया तो 16 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 64 आएगा, और हमारा फाइनल आंसर होगा 64, जो कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखिए कुछ नहीं था, कैलकुलेशन इजी थी, लेकिन आपको ट्रिक लगानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 की पावर 200 को डिवाइड करें 18 पे, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो इसको पहले ऐसे लिखिए। तो भाई आपको एक चीज याद आनी चाहिए, आपने फेरेट बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी, अल्जेब्रिक को छोड़िए वो तो अलग ही होती है, फेरेट और बाइनोमियल दो मेन मैंने पढ़ाई है जो भी पावर वाले क्वेश्चन के, और इसमें आपको दो थ्योरम मैंने पढ़ाई है, बाइनोमियल फॉर्म ax प्लस k वाली पढ़ाई थी, ये वाली बन सकती है ना, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ 18 - 1 लिख सकते हैं 17 को अपॉन में 18, जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो मेरी देखी उसको जरूर समझ आ जाएगा, और उसकी पावर 200। तो ये क्या होता था, ये वाला, अरे भाई देखो ये वाली फॉर्म मैंने बताई थी ना, तो इसका आंसर हो जाता था माइनस का के एन, और अगर यहाँ प्लस होता था उसका आंसर के टू दी पावर एन। अब माइनस का के एन यानी माइनस का 1 की पावर 200, अब पावर अगर इवन है तो प्लस आंसर आता है, ये तो आपको पता है, ऑड है तो माइनस आंसर आता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1, माइनस नहीं आएगा इधर, 1 इसका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज, समझ गए ना, माइनस का नहीं आएगा, पावर इवन है, ये तो आप बहुत बचपन से पढ़ते आए हो, सबको पता है, ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, ऐसे आपको लॉजिक लगाना है। देखिए बिल्कुल सिंपल, लेकिन आपको इतना सिंपल कब हो सकता है, कभी ना मिले, यहाँ पर ये बहुत सिंपल है, किसी किसी में आपको फॉर्म भी बनानी पड़ सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे 2 की पावर 31 को 5 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए ये वाला जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन बताया था, आप सोच रहे थे फेरेट क्यों नहीं लगाया, फेरेट का सबसे पहला कंडीशन नंबर प्राइम होना चाहिए, ये वाला नीचे वाला जो ये है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम होना चाहिए, क्योंकि मैंने फेरेट थ्योरम बताई थी ना, 1 की पावर p - 1 अपॉन, ठीक है, जो भी बताई थी मैंने अपॉन p, सबसे पहले ये वाला नंबर हमारा प्राइम होना चाहिए, ठीक है, ये नंबर प्राइम ही नहीं है तो फेरेट थ्योरम तो खत्म, आगे हमें देखना ही नहीं है, और इसके ठीक है को प्राइम वगैरह तो बात दूसरी। अब इसमें आप देखिए क्या इसमें, क्योंकि फेरेट थ्योरम सबसे ईजी होती है, अब इसमें आप देखिए क्या इसमें फेरेट थ्योरम लग सकती है, सबसे पहले ये नंबर प्राइम है, यस, एंड 2 एंड 3 आर को प्राइम, लग सकती है, लेकिन उसकी एक वो होती थी, मतलब जो पावर यहाँ से एक कम है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, उससे एक ज्यादा, यानी जो यहाँ पर वैल्यू है वही एक कम पावर होनी चाहिए थी, यानी कि इसकी 2 की पावर अगर 4 हो जाए तो हमारी आराम से लग सकती है फेरेट थ्योरम। तो कैसे, 2 की पावर अगर मेरी 4 हो जाए तो ये फेरेट थ्योरम लग सकती है, तो आप आराम से लिख सकते हो इसमें से 4 निकाल दीजिए, जब 2 की पावर 4 होगी तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा स्टूडेंट, 7 4 28, तो 28 तो इधर आपने इजीली कर लिया, भाई ये पावर मल्टीप्लाई तो हो जाती है, ब्रैकेट के बाद पावर होती है, फिर बाकी की कितनी बच रही, क्योंकि इतना ही जा रहा है ना, 4 7 28 इतना ही जा रहा है, आप 29 30 और 31, 2 की 3 पावर और बच गई, तो 2 की 3 पावर को आप अलग से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप लगा दीजिए फेरेट, ये हो जाएगा आपका 1, ये आपका 1 हो जाएगा, और 2 की पावर क्यूब का मतलब 8, ठीक है, तो क्या आ गया इसका आंसर 8। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 8 रिमाइंडर कभी आ सकता है, उससे बड़ा रिमाइंडर तो नहीं आएगा ना, तो दोबारा हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3, 5 को 8 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर ही तो बचेगा भैया, रिमाइंडर की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए इस टाइप से हमें बनाने पड़ते हैं, और ऐसी क्वेश्चन करते हैं।
भी डिवाइड कर सकते हैं ना, ये तो हमें पता ही है कितना आएगा, ये तो हमें पता ही है। अब मेन इसकी बात आ गई, तो सबसे पहले फेरेट के लिए देखिए प्राइम ही नहीं है, फेरेट फेल यानी बाइनोमियल पर आ जाइए। बाइनोमियल पर आप आएंगे 7 को 6 प्लस 1 क्योंकि उसी की फॉर्म में लिखना पड़ता है, अभी मैंने इससे पहले ही क्वेश्चन बताया है, अपॉन 6 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा इधर 1 की पावर 19 आ जाएगी, k टू द पावर n होता है, प्लस 6 को 20 से डिवाइड, 6 को 2 से डिवाइड कीजिए आप, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा, 0 वर्ड टाइम्स जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस 2 मिलके आपका आ गया 3। अरे वाह, इसका भी आंसर 3, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जहां समझना आए वहां आप मुझे तुरंत कमेंट करिए, जहां समझना है मैं अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा क्या कह रहा है, 4 की पावर 61 को हम 51 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। अब आप देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए 51, इसमें फेरेट थ्योरम लगा सकते हैं नहीं, क्योंकि 51 जो है 17 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर हमारी फेरेट थ्योरम फेल हो गई। अब बाइनोमियल पर आइए, दो ही सेकेंड ही ऑप्शन बचा। अब बाइनोमियल पर हम क्या देखेंगे, 4 की पावर अगर हम 28, 4 की पावर 364, तो ये कैसे भी प्लस माइनस के फॉर्म में नहीं बैठ रहा 51 की, या तो 50 प्लस 1 या 52 माइनस 1, ऐसा कुछ नहीं आ रहा, तो अब हमें फॉर्म बनानी पड़ेगी। अब इसमें देखिए लॉजिक कैसे लगेगा, अब आप देखिए इसमें से अगर हम 1/3 कॉमन निकाल लेते हैं तो 4 की पावर क्या बचेगा, 1751 की जगह। लेकिन देखिए आपका क्या बचता है, ये अगर हम ऐसे लिख लें, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमें कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो 1/3 को भी छोड़ते हैं, बाहर ही रखा रहने देते हैं। और इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, 16 की फॉर्म में आ जाए, 4 की पावर 4 16 होता है, प्लस 15, और यहाँ पर क्या बचा, इसकी पावर केवल 1 बच गई, 30 आएगा, 32 जा 60, ठीक है। अब ये आ गया आपका अपॉन में 70, आप इसको लिखिए, आप 1/3 तो बाहर रह गई, 16 की पावर 30 और 4 तो है ये अपॉन में 70, ये आ गया। अब 1/3 को हम कैसे 70 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 16 की पावर 30 अपॉन में 70। देखिए मैं इसका एक और क्वेश्चन बताऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपको इसमें नहीं आ रहा तो इसमें आप, और ये तो ब्रैकेट, अब आप इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए, इसमें आप बाइनोमियल थ्योरम लग सकती है, तो ये माइनस 1 की पावर 30 इंटू 4 अपॉन में 70 और ब्रैकेट यहाँ पर क्या है 1/3, तो ये 1 का 1 यानी कि 5, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम यहाँ से 17 तो चलाई गया, पूरी बाइनोमियल लग गई। अब यह 1 माइनस 1/30 पावर इवन है तो 30 यानी 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर था 3। अब मैंने आपसे कहा था जितना हमने यहाँ पर कॉमन लिया है उतने ही टाइम आप मल्टीप्लाई करिए, तो 3 से 3 कट हो जाएगा और फाइनल आंसर आपका क्या बचेगा, 4। तो इसका आंसर क्या आ गया फाइनल, 4 कोई भी ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। ये बात अब जरूर ध्यान रखिएगा, 3 जो हमने कॉमन लिया है तो 4/3 अब कैसे होगा, 4/3 तो होगा तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से 3 कट जाएगा साथ में, क्योंकि 3 टाइम्स हमने कम डिवाइड किया है तो 3 टाइम्स ही हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे जो फाइनल हमारा आंसर है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए ऐसा ही है, 17 की पावर 36 डिवाइड 36 से आप डिवाइड करिए। अब इसमें भी 36 फेरेट लग नहीं सकती, बाइनोमियल हमारे पास ऑप्शन, बाइनोमियल 17 की कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं है जो 36 के आसपास भी आ सके, तो बनाइए। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप इसमें से 1/2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 17 की पावर 36 अपॉन 18। अब बन आ सकती है हमारी 18 माइनस 1 17, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो कर दीजिए ये 1/2 यहाँ पर ही लगे रहने दीजिए, अब इससे मैं मतलब नहीं, 18 माइनस 1। अब आ गई ना हमारी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता ना तो हमें देखिए लॉजिक लगाना पड़ता है, इसको कॉमन ले लें, इसको छोटा कर दें, ये पूरा माइनस के की पावर है यानी -1 ये हो जाएगा और पावर इवन है तो 1 आ जाएगा यानी 1/2, लेकिन 2 टाइम
टाइम्स हमने 1/2 ये जो ब्रैकेट के बाहर आ गया 2 टाइम्स इसका कम मल्टीप्लाई किया है रिमाइंडर यहां पर हम रिमाइंडर निकालने चीज ध्यान रखिएगा 2 टाइम्स हमने इसका कम डिवाइड दिया है तब ये आया है तो उतने से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 2 कट हो जाएगा इसका आंसर आपका आ जाएगा 1 ऑप्शन इज करेक्ट इस टाइप से आपके होते हैं आपको खुद ही देर सोचना पड़ता है कैसे हम क्या करें अब ये वाला आपका जो क्वेश्चन है ये एलजेब्रिक थ्योरम पर बेस आ गया देखिए x टू दी पावर x प्लस 4x प्लस k ठीक है ये वाला एक्सप्रेशन को डिवाइड किया है x माइनस 2 से तो इसका रिमाइंडर जो आता है वो 2x आता है तो k की वैल्यू निकालिए सबसे पहले मैंने एलजेब्रिक थ्योरम में आपको बताया था जिससे भी हम डिवाइड करते हैं उसको जीरो के टेंस मानते हैं यानी x की वैल्यू इससे हमारी आ गई 2 अब इसका जो रिमाइंडर आया है वो 2x आया है ठीक है तो ये कोई फंक्शन है आपका fx = x2 ही फंक्शन ही होता है जिसमें हमारी x की वैल्यू क्या है 2 x की वैल्यू हमारी है 2 ठीक है x की वैल्यू हमारी है 2x ट्वाइस और x यहां पर क्या है 2 तो यहां पर f की वैल्यू ये ऐसे है देखिए इस टाइप जहां भी k वगैरह की वैल्यू पूछा है मैंने जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाया था ना स्टूडेंट उसमें हमारा k वाला नहीं था डायरेक्ट यहां पर पुट करनी थी x की वैल्यू ये जो 2 है यहां पर पुट करनी थी x की वैल्यू लेकिन अब हमें क्या दे रहा है ये रिमाइंडर भी छोड़ता है और k की हमें वैल्यू निकालनी है एक्सप्रेशन ये पूरा नहीं दे रखा k की वैल्यू हमें इसमें नहीं निकालनी है जो कांस्टेंट है वहां पर दे रखा था यहां पर नहीं तो हम इसका डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं इसमें हम ये देखेंगे ये जो फंक्शन है ये रिमाइंडर 2x छोड़ता है ठीक है और x की वैल्यू 2 है तो ये फंक्शन की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी ये 4 हो जाएगी ना 2x है ना 2 जा 4 ऐसे करके हम ये निकालते हैं अब आप कर लीजिए इसका x की वैल्यू ऐसे करके अब जहां जहां x की वैल्यू 2 रख वहां पर 2 रख दीजिए जहां x की वैल्यू 2 है यहां पर फंक्शन में भी हमने 2 * 2 4 हो गया तो ये 4 से 4 कट गया और k की वैल्यू आ गई माइनस का 8 तो k की ऐसे निकालते हैं देखिए जब भी आपको एलजेब्रिक थ्योरम में दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे एक टाइप का मैंने सिंपल बता दिया है यहां पर आपको कोई भी कांस्टेंट दे रखा होता है इक्वेशन बना के तो डायरेक्ट आप यहां 2 कर देते लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है आप यहां पर 2 तो डायरेक्ट पुट कर रहे हो जहां-जहां x है वहां आपने 2 पुट किया है लेकिन प्लस k जो कांस्टेंट है उसके में पहले ऐसे ही रखे रहने दो लेकिन इसके सॉल्यूशन के लिए एक चीज और दे रखी है ये कोई फंक्शन जो होता है ठीक है तो x की वैल्यू रिमाइंडर जो है वो 2x है वो फंक्शन हमारा 2x और जो यहां पर ही फंक्शन है इसका रिमाइंडर ही एक्चुअली में होता है तो 2x यहां पर पुट करेंगे और x की वैल्यू यहां पुट करेंगे उस दोनों को इक्वल रख देंगे हमेशा ऐसे ही सॉल्यूशन निकलेगा ऐसे क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आहा ये कितना अच्छा क्वेश्चन आया है देखिए ये आपकी कैलकुलेशन की परीक्षा है पूरी ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन सबसे पहले इसमें हम फैरेड लगा सकते हैं यस क्योंकि ये हमारा प्राइम नंबर है और 9 और 13 आर को लेकिन इसमें क्या रूल होता है फैरेड थ्योरम में 8p टू द पावर 1 अपॉन p मतलब ये वाली एक पावर ज्यादा होनी चाहिए यानी ये वाली पावर अगर हमारी 12 हो जाए 9 की तो ये वाला लग सकता है 12 आप 9 की इसमें से निकाल लीजिए जब आप 9 की पावर 12 लगाओगे तो 12 निम्मा 108 होता है ठीक है यहां पर ये 9 आ गया लेकिन 108 तो हो गया 108 अब क्या बचा 109 110 और 111 यानी 9 की पावर 3 हमारा बच गया अपॉन में 30 तो ये वाली पूरी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी 1 ही होती है ना 1 हो जाएगी यानी ये आ जाएगा 1 * 9 की पावर 3 और 9 की पावर 3 स्टूडेंट आपका क्या होता है 729 लेकिन ये 13 से बड़ा आ रहा है क्या कभी रिमाइंडर बड़ा आ सकता है जिससे हम डिवाइड करें नहीं तो दोबारा से ये 13 से डिवाइड हो जाएगा जब दोबारा ये 13 से डिवाइड होगा तो इसका रिमाइंडर आपका आएगा 1 आप चाहे तो इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए डिवाइड करके 13 5 65 12 में से 5 में 7 13 6 78 और ये आपका रिमाइंडर 1 आ गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट 1 देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके मिलते हैं आप इसकी जितनी प्रैक्टिस जहां से भी करो वही कम है अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इफ x इज अ रिमाइंडर व्हेन
इतना है और डिवाइड करते हैं हम 5 से, इसमें हमने 2x माइनस y की वैल्यू निकाल ली है, सीधे कॉन्सेप्ट पर पहुंचे। 2x माइनस y मतलब हमें इसमें x और y निकालने हैं। हम क्या कह रहा है, पहले निकालिए हम x की, जब इसको 5 से डिवाइड करते हैं सीधे पूछ रहा है इसका रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर क्या, इसमें आप फैरेट लगा दीजिए, फैरेट अगर यहाँ पावर 1 कम आ जाए, ये होता है ना अभी मैंने फिर बताया है, ठीक है, यानी 3 की पावर अगर 4 बन जाए, तो अब देखिए आप जब 3 की पावर, तो यहाँ पर कुछ भी आ जाए, इतना बड़ा है तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, बची हुई लिखते जो भी आए, आएगा तो 1, आएगा तो 1 ही ना, क्यों, क्योंकि कुछ और नहीं बचेगा। यहाँ 84 है, 84 4 से डिवाइड है, यानी ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड है, जब भी हम इसका 4 से डिवाइड करेंगे या कुछ बचेगा पूरा जाएगा, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा इतना चला गया मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, तो कुछ भी आप मान लीजिए इसकी पावर 1 है, ठीक है, तो ये हमारी लग गई, ये हो गई 1 की पावर, कुछ भी यहाँ जो आएगा तो आंसर तो हमारा 1 आ गया ना, यानी वही हमारा रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, तो x की वैल्यू तो हमारी 1 हो गई। अब आ जाइए y निकालने पे, y को क्या कह रहा है, जब 4 की पावर 96 और 6 को, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट जो आपको लर्न करना है, जो आपको एग्जाम में बहुत फास्ट कैलकुलेशन के लिए काम आएगा, सबसे पहले मेरी बात सुनिए, 4 की पावर जब यह 1 होगी 6 से डिवाइड कीजिए तो आपका रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा, आप करके देख लीजिए, करके देखो, अब यहाँ पर 4 की पावर 2 कर दो 6 कर दो, यानी 4 4 16 को 6 से आप डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 4। अब आप 4 की पावर 3 लो और 6 से, यानी 64 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका ये 4 आएगा, करके देख लो, जब आप 4 की पावर 4 लोगे तो भी आपका रिमाइंडर 4 आएगा, आप करके देख लो 216, आप करके देख लो, अगर आपको नहीं पता 4 की पावर 4, 64 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 256, तो भी आए, तो आपने एक चीज नोटिस करी, जब भी 4 अपॉन 6 की टर्म हो और 4 की पावर कुछ भी हो, हमेशा रिमाइंडर क्या आ रहा है 4, तो यहाँ भी 4 की पावर 96 अपॉन 6 है, तो यही वाली फॉर्म बन गई, 4 अपॉन 6 कुछ भी हो और उसकी कुछ भी पावर हो 4 की, तो हमेशा आपका रिमाइंडर क्या आएगा 4, यानी रिमाइंडर y है तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसमें आप पुट कर दीजिए 2x माइनस y, इसमें आप पुट करोगे 2 × 1 − 4, यानी 2 − 4 = −2, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, −2। तो ये वाली आप फॉर्म याद रखिएगा, इसको सॉल्व करने के बजाय बेटर है कि आप ऐसे कर लो, वरना इसमें आप लगाते कुछ लगाना पड़ता, ये कॉमन लो वो कॉमन लो और फालतू में आपका टाइम वेस्ट होता। तो स्टूडेंट ये आपके क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ऐसी ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाऊंगी, उसमें आपके 7 या 8 क्वेश्चन आपके होंगे जितने भी, और वो आपका होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इस बेस पे, लेकिन क्वेश्चन कितने कितने ट्रिकी आते हैं ना, घूम जाओगे उसमें आप, घूम जाओगे बिल्कुल, तो आप देखना मेरी नेक्स्ट वीडियो भी जरूर, ठीक है स्टूडेंट, देन विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन। आई होप मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, देखिए कुछ लोग को अच्छा लगता है वो देख भी लेते हैं, सब्सक्राइब मत करना ऐसा मत करिए भाई, अगर आप मेरे ये पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि एक्टिव में आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। देन विल मीट यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर।